नेहरू नगर भिलाई में स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में 25 अगस्त से प्रारंभ हुए प्रज्ञोत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिभागी अपनी कला की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। प्रज्ञोत्सव कार्यक्रम को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने कृष्णा पब्लिक स्कूल की प्राचार्या सविता त्रिपाठी से विस्तृत बातचीत की। आइए देखते हैं केपीएस की प्राचार्या सविता त्रिपाठी से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं शाहीन खान आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एजुकेशन हब भिलाई, जी हाँ, एजुकेशन हब भिलाई में अनेकों स्कूलें संचालित की जाती है। उनमें से एक स्कूल है केपीएस स्कूल, जी हाँ, केपीएस स्कूल जो कि नेहरू नगर में संचालित की जाती है। और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कला से जोड़ने, साहित्य से जोड़ने, संस्कृति से जोड़ने के लिए एक विशेष आयोजन किया जाता है, प्रज्ञोत्सव। प्रज्ञोत्सव इस चार शब्द के इस आयोजन में प्रदेश भर की जो बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी कला का, चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग हो, उस क्षेत्र में अपना जौहर दिखाते हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर केपीएस स्कूल के प्रांगण में। हमारे साथ मौजूद हैं सविता त्रिपाठी मैडम, प्रिंसिपल स्कूल की। उनसे हम चर्चा करेंगे कि प्रज्ञोत्सव जो है आयोजन है, किस उद्देश्य से कराती हैं और कहाँ कहाँ के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले मैडम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, स्कूल में अक्सर देखा गया है बच्चे अच्छे हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, अच्छी पढ़ाई उनकी है, इसके साथ साथ प्रज्ञोत्सव एक आयोजन जो किया जाता है, ये कितने सालों से किया जाता है? प्रज्ञोत्सव जो है ये 12 सालों से यहाँ पर हमारे स्कूल में किया जाता है। और उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं वरन इन जो कला के क्षेत्र को भी समझें, इसके लिए 12 सालों से इसका आयोजन होता है हमारे यहाँ। प्रज्ञोत्सव में सिंगिंग, डांसिंग, किन किन डांस को और यानी गायक को शामिल किया गया है? प्रज्ञोत्सव जो है ये जो कला का उत्सव है, इस उत्सव में म्यूज़िक में हम बोला जाए तो इसमें नृत्य की विधा, गायन और वाद्य यंत्र, इन सभी का समावेश किया गया है। तो प्रज्ञोत्सव में सभी जो क्षेत्र है जो गायन का है, इसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल या वाद्य यंत्र हैं, तो चाहे वो सिंथेसाइज़र हो, गिटार हो, बैंड हो जो सामूहिक रूप से होता है, या जो नृत्य है तो इसमें कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, सेमी क्लासिकल, फिल्मी, सभी का समावेश किया है हमने इसमें। प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? मैं छत्तीसगढ़ से, तो पूरे ही छत्तीसगढ़ से, आप जितने भी बड़े शहर आप जानेंगे वो सभी शहरों से बच्चे आए हैं। और हमको महाराष्ट्र से कुछ बच्चे, जो आसपास के उड़ीसा से, और इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश से, नियर बाई स्टेट्स के भी बच्चों ने इसमें भाग लिया है। बच्चे बाहर स्टेट के यहाँ पर आते हैं, किस तरह की उनकी व्यवस्था की जाती है शाला प्रबंधन की ओर से? हमारे पास हॉस्टल भी है, और प्लस इसके साथ साथ हम हमारे स्कूल के प्रांगण के आसपास जो कुछ होटल हैं उनमें भी हम बच्चों का, उनकी क्षमता के अनुसार जैसा वो चाहते हैं वैसा हम उनके लिए उसका अरेंजमेंट करते हैं। उसमें देखा जाए तो कला को जाहिर जो प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जजमेंट की आवश्यकता होती है, एक कुशल जज जो होता है वो ही निर्णय अपना सुनाता है और उनका वो कितना अच्छा परफॉर्म किए ये बताता है। तो इस कार्यक्रम में जजमेंट के लिए कौन कौन होते हैं, इनको शामिल किया जाता है? जजमेंट में इन जिस भी तरह का कंपटीशन है, जैसे अगर ओडिसी है तो ओडिसी नृत्य के जो पारंगत लोग होते हैं वो विभिन्न, जैसे अलग अलग कॉलेजेस से या जो अपने इस क्षेत्र में प्रावीण्य प्राप्त लोग हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। और उनमें से कुछ जज जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल के ना हो करके वो बाहर के हों, जिससे कि फेयर जजमेंट हो बच्चों का। और उन सभी को इससे एक संतोषजनक जब अपना रिजल्ट मिलता है और उसके अनुसार जब उनको पुरस्कार मिलता है या जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो जजेस जो होते हैं उसकी बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए इस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। जैसे आज का ही जो आज कार्यक्रम है उसमें हमारे एक जज जो हैं वो नागपुर से आए हुए जज हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जजेस कहीं भी भिलाई शहर के भी ना हो वरन बाहर के हों, जिससे फेयर जजमेंट हो। प्रतिभागियों के विजेता होने पर किस तरह का पुरस्कार स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए है? हम विभिन्न तरीके का पुरस्कार देते हैं, जैसे कंसोलेशन, पार्टिसिपेशन, और इसके अलावा कोशिश करते हैं कि हर बच्चा कुछ ना कुछ लेकर के जाए। विभिन्न एज ग्रुप के अनुसार उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा जो बहुत सारे कंपटीशंस में बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है उनको हम कृष्णा अवार्ड और इसके अलावा कैश अवार्ड देते हैं।
कैश अवार्ड विभिन्न कैटेगरीज में 10,000 की कैश अवार्ड की अमाउंट है जो बच्चों को दी जाती है, और ये हम इसको अपने कृष्ण जन्मोत्सव के दिन, जिस दिन प्रज्ञोत्सव का समापन होता है, उस दिन हम उन बच्चों को प्रदान करेंगे। पूर्व में एक दिन मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने स्कूल का नाम KPS कृष्णा पब्लिक क्यों पढ़ा, आप ये मुझसे शेयर की थी, दर्शकों को भी बताना चाहेंगी कि स्कूल का नाम कृष्णा पब्लिक स्कूल किस थीम पर रखा गया। हम एक्चुअली एक गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा संगोत स्वकर्मणि, अर्थात कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तो हम कर्म में बहुत विश्वास करते हैं और इसी विजन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि ये कृष्णा ने दिया था ये, इसलिए स्कूल का नाम हमारे जो है वो कृष्णा पब्लिक स्कूल नाम पड़ा। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है, इस मैनेजमेंट के जो जो स्वामित्व नहीं बोलना चाहिए बट जो चेयरमैन हैं उनकी पत्नी का नाम भी कृष्णा है, तो एक संयोग जो है ये ऐसा होने की वजह से स्कूल का नाम जो भी आप स्वीकार करें वो रखा गया है इसका नाम। आखिरी सवाल प्रज्ञोत्सव से ही संबंधित है। इस पाश्चात्य सभ्यता में लोग, बच्चे क्यों ना हो, स्कूली छात्र छात्राएं या फिर कॉलेज के हों, वो सोशल मीडिया के हावी होकर के पाश्चात्य सभ्यता में ज़्यादा लीन हो रहे हैं और अपनी कला संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्या प्रज्ञोत्सव जो है मील का पत्थर साबित होगा बच्चों में कलाकृति को जगाने का? बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये 10 दिवसीय उत्सव में हर रोज़ जो प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा दी जा रही हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति को लेते हुए जो प्रस्तुतियां होती हैं, और जितने भी क्लासिकल हैं वो प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो जो बच्चा इस उम्र में, बहुत छोटे, आज एक 5 साल की बच्ची का मैंने प्रदर्शन देखा जो कि भरतनाट्यम की अपनी जो कला है उसको कर रही थी, तो ये निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पाश्चात्य सभ्यता में अपनी संस्कृति जो हमारी वर्षों से चली आ रही है उसको बच्चे जानेंगे, सीखेंगे, जो कि आधार है पाश्चात्य नृत्य संगीत का भी। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो ऐसे कार्यक्रमों में अपने बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएं, और ये आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेहद सहायक होगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से ही बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। आज सर्वांगीण विकास में बच्चों को कोई ना कोई ऐसी विधा आनी चाहिए, कला की विधा आनी चाहिए या स्पोर्ट्स का में भाग लेना चाहिए, जो उनको एक अच्छा इंसान बनाने में और सफलता के ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है। तो कृपया आप अपने बच्चों को ही ना ये सिखाएं ही नहीं, वरन उनको ऐसे स्टेज, जो उनको छोटे भी स्टेज मिलते हैं उनमें भी भागीदार बनाएं, वो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती वक्त पर अपना हमें वक्त दिया, धन्यवाद, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी सविता त्रिपाठी मैडम, प्रिंसिपल KPS स्कूल की। प्रज्ञोत्सव को लेकर हमने उनसे चर्चा की, बताया कि प्रज्ञोत्सव जो आयोजन है बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बच्चों को कला से जोड़ने के लिए।